नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया का इस्तेमाल हर कोई करता है। हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर किसी के हाथ में सेलफोन है, हर किसी के हाथ में स्मार्ट डिवाइसेज है। इस स्मार्ट डिवाइसेज के जहां फायदे हैं वहीं नुकसान भी है, और ऐसे ही नुकसान, सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान है अफवाहों के फैलने का। अभी हाल के समय में महाराष्ट्र में एक अफवाह काफी फैल रही है, वो अफवाह है बच्चा चोरी किए जाने की अफवाह। हर किसी ग्रुप में, हर किसी मोबाइल में यह मैसेज एक अभी समय वायरल हो रहा है कि महाराष्ट्र में कुछ लोग आए हैं, बच्चा चोरी कर रहे हैं, बच्चा चोरी कर रहे हैं, तो हर किसी में भय है। ऐसा ही एक फोटो और वीडियो हाल ही के समय में वसई क्षेत्र में काफी वायरल हुआ, जहां एक शख्स, उसको पेड़ से बांधा हुआ है और उसके, और ये वीडियो वायरल हो रहा है कि ये शख्स जो है ये बच्चा चोर था। लेकिन इस घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए ये बताया कि ये घटना, उस शख्स, वो जो शख्स है वो अपराधी जरूर है लेकिन बच्चा चोरी से उसका कोई संबंध नहीं है। उसका मामला है, ये मामला मणिकपुर पुलिस स्टेशन के हद का है। मणिकपुर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई ने बकायदा अपना बयान जारी करते हुए बताया कि इस तस्वीर में ये जो शख्स है, ये शख्स एक महिला का कई दिनों से पीछा कर रहा था, और पीछा करने के बाद में इसके हौसले इतने तक बुलंद हो गए थे कि महिला के घर तक पहुंच गया था। आखिरकार परेशान होकर उस महिला ने हिम्मत जुटाई और कुछ लोगों को बताया, तब लोगों ने उसको पकड़ लिया और उसको पकड़ के इस तरह से पेड़ से बांधा। बाद में पुलिस को सूचना की गई, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इसको अपने कब्जे में लेकर इसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया। लेकिन इस बात को सोशल मीडिया में अलग तरह से फैलाया गया, तो उसी को लेकर वसई के मणिकपुर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई ने अपना बयान जारी करते हुए ये चीज क्लियर की कि ये अपराधी है, इसको हमने गिरफ्तार किया है, वो मामला अपनी जगह है। लेकिन हम जो सोशल मीडिया में जो फैलाया जा रहा है कि बच्चा चोरी, तो इस तरह की अफवाहें न फैलाएं। तो आप सभी ध्यान दें, सतर्क रहें, और ऐसे अपराधी, जो इस अपराधी के साथ जो होगा वो होगा, लेकिन अफवाहों को फैलाने से बचें। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। ये लड़के, ये वो लेडीज के पीछे पीछे जाता था, उसके लिए अपन उसको केस करके कार्रवाई किया है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उनके दो बच्चे है वो जो लेडीज के, शायद उसको उठाने आया, ऐसा उन्होंने गैर समझ करके उसको लोगों ने बांध के रखा था। हम तुरंत विजिट किया है, उसका जानकारी पूरा, उसका इंट्रोगेशन किया। बाद में मालूम पड़ा कि वो लेडीज़ के चक्कर में वो उसके पीछे पीछे फॉलो करता था। वो हिसाब से हमने इंडियन पिनल कोड 354 के मुताबिक उसके खिलाफ FIR दर्ज किया है। वो लड़का चोरी करने वाला या कोई टोली में, लड़का चोरी करने की टोली में से तो कोई सदस्य नहीं है। ये साथ सच में वो लेडीज़ के पीछे पीछे आता था, लेकिन लोगों को लगा कि कोई टोली सक्रिय हो गई है, लड़का उठाने वाली या लड़का चोरी करने, ऐसा अपने मणिकपुर के पूरा वसई विरार के एरिया में भी किधर भी ऐसा घटना घड़ी नहीं है। भविष्य में ऐसा अगर कुछ मालूम होता है, हम सब पुलिस सक्रिय है उसके अंदर, अगर कोई हमें मालूम पड़ता है तो हम तुरंत उसमें केस दर्ज करेंगे, उनको पकड़ेंगे। महाराष्ट्र के अंदर भी अमरावती और सांगली के एरिया में ऐसा लड़के चोरी करने, टोली सक्रिय करके लोगों ने बांध के लोगों मारा है, वो तो अपना इधर ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये खाली रूमर्स है। और मैं पूरा वसई के जो नागरिक है या जो पेरेंट्स है जिनके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, कॉलेज में, तो मैं ये आह्वान करूँगा लोगों को कि ऐसा अपना एरिया में किधर हुआ नहीं है, और जो रूमर्स फैली हुई है उसके ऊपर किसी ने भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।